यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अप्रैल महीने में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक राहुल की कैलाश मानसरोवर यात्रा पर अब सस्पेंस बरकरार है। सार्वजनिक तौर पर ऐलान करने के बाद भी राहुल अभी यात्रा नहीं कर पाए हैं, जहां कांग्रेस ने दावा किया कि राहुल को इस यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय से अनुमति नहीं मिली है, तो वहीं मंत्रालय के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से उन्हें कोई आधिकारिक तौर पर आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 29 अप्रैल को पार्टी कार्यकर्ता के एक कार्यक्रम में घोषणा की थी कि वो कैलाश मानसरोवर यात्रा जाएंगे और इसके लिए उन्हें 15 दिन की छुट्टी चाहिए। हालांकि राहुल ने यह घोषणा तब की जब तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण की तय तारीख खत्म हो गई थी, लेकिन अगर कोई सांसद सदस्य प्राइवेट तौर पर यात्रा पर जाना चाहता है तो उसे इसके लिए विदेश मंत्रालय इसकी इजाजत विदेश मंत्रालय से लेनी होती है, जबकि राहुल ने विदेश मंत्रालय में इस संबंध में कोई भी आवेदन नहीं भेजा। इस साल यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आखिरी तारीख 23 मार्च थी। यह यात्रा 8 जून से शुरू हो गई है, जो कि 8 सितंबर तक चलेगी।